हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धांत टेकेंजल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटेल के A44 प्रो के बारे में। आईटेल के A44 प्रो में आपको मिलता है 5.45 इंच का फुल व्यू आपको IPS डिस्प्ले, 8 और 5 मेगापिक्सल कैमरा, मल्टी टच फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड नोगाट, 4G LTE तो है ही ये सेट, और यहाँ पर 2G 3G के बैंड्स भी लिखे हुए हैं। 2400mAh बैटरी, 64 bit का क्वाड कोर प्रोसेसर, 2GB रैम, 16GB इंटरनल, 32GB एक्सपेंडेबल OTG सपोर्ट, और स्मार्ट की जो आपके A44 में भी दी हुई थी। A44 का रिव्यू नहीं दिखा तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं फटाफट से हम, और देखते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं, और इसका लुक क्या आईटेल के A44 से थोड़ा बहुत अलग है, या फिर इसमें कलर वेरिएंट्स उससे अलग आने वाले हैं। उसमें हमारे पास रेड कलर वेरिएंट आया था, और उसमें जो और कलर वेरिएंट थे उसमें गोल्डन वगैरह भी शामिल था, लेकिन वो रेड ही आया था हमारे पास। और इसमें उसमें हमारे पास रोज़ गोल्ड आया था, इसमें हमारे पास ब्लैक आया है, उसमें रेड कलर भी अवेलेबल है। इसमें अभी फ़िलहाल रेड का कोई पता नहीं है, दिखने में सेम वैसा ही लग रहा है। अब इसके इनबॉक्स कंटेंट्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन बिल्कुल सेम मुझे वैसा ही लगा देखने में। इनबॉक्स कंटेंट यहाँ पर सबसे ऊपर मिलता है हमें कवर इसका, और फिर यहाँ पर ये एक डेटा केबल जो उसी की तरह बिल्कुल सेम वैसी ही है, और यहाँ पर हेडफोन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जो A44 में था। क्वालिटी इसके केवल चार्जर की छोड़कर बकाया सारी चीज़ों की क्वालिटी ठीक होती है। चार्जर की क्वालिटी काम चला हुआ है, मतलब यानी काम चलाने लायक ही है। यहाँ पर अगर हम कहें चार्जिंग की रेटिंग की बात, तो यहाँ पर रेटिंग कुछ साफ नहीं दिख रही है, लेकिन 1 एम्पियर के समथिंग होगा ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी बैटरी, तो वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बैटरी यहाँ पर आपको 2600mAh की मिल जाती है। बात करें इसके बैटरी के अलावा और कुछ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ यूज़र गाइड्स और कुछ बेकार की चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जिन्हें कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तो इसके बॉक्स को हम फिलहाल साइड में हटा देते हैं, और करते हैं इस फ़ोन को बूट, और देखते हैं इस फ़ोन में कुछ अलग दिया हुआ है, या फिर कुछ अलग यूज़र इंटरफेस वगैरह कुछ अलग मिलता है या नहीं। ये सारे जो कंटेंट्स हैं ये इसके इनबॉक्स कंटेंट हैं। इसके अलावा आप जो भी लेते हैं वो सारे पेड कंटेंट, मतलब अगर टेम्पर्ड वगैरह ग्लास वगैरह आप लेते हैं तो वो पेड कंटेंट है। फिलहाल पे यहाँ पर एक स्क्रीन गार्ड स्क्रीन पर लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको एक कवर भी जो मिल रहा है वो बिल्कुल मतलब ग्लॉसी टाइप का है और अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलेगा कैमरा, फिर उसके बाद स्पीकर ग्रिल, फिर यहाँ पर एक फ्लैश, और बराबर में उसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और यहाँ पर नीचे फिर एक माइक, स्पीकर ग्रिल्स, और नॉर्मल यहाँ पर चार्जिंग केबल, और यहाँ पर साइड में आपको स्मार्ट की, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ स्मार्ट की और राइट हैंड की तरफ वॉल्यूम रॉकर्स और पावर की आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें टॉप साइड की, तो यहाँ पर टॉप में आपको मिलता है आपको हेडफोन जैक, रियर में आपको मिलता है सबसे नीचे आपको अपना फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके ऊपर फ्लैश, और उसके ऊपर आपको कैमरा। इसे हम ओपन करके इसमें डालते हैं बैटरी और इसे करते हैं बूट अप। दोस्तों, फिलहाल में मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसे मुझे देखने में उतना मज़ा नहीं आया जितना कि A44 को देखने में मज़ा आया था। कलर की वजह से हो सकता है, क्योंकि मुझे कलर वो ज़्यादा अच्छा पसंद लगा था, और ये इतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें ग्लॉसी लुक नहीं है। मुझे ग्लॉसी कलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, ग्लॉसी कलर्स जो होते हैं। यहाँ पर बूटिंग में इसके कुछ टाइम लगता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा वीडियो को कट करेंगे, और वीडियो को कट करने के बाद इसके डायरेक्ट बूटअप पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर दिया है, और अब यहाँ पर बूट अप होने के बाद इस फ़ोन को हम करते हैं ऑन, और इस फ़ोन का देखते हैं बिल्कुल सेम वही लुक है, केवल यहाँ पर फ़र्क वही है, 2GB कर दिया है यहाँ पर रैम को, और यहाँ पर 16GB कर दिया इंटरनल मेमोरी। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये प्राइस रेंज में आता है हमारे पास लगभग 6200 की रेंज में, और वो जो था वो था हमारे पास 4200-300 की रेंज के समथिंग अराउंड था, कुछ याद नहीं। फ़िलहाल में वो 42 के करीब या 48 के करीब ही था,
मतलब 4 से 5 हज़ार के बीच में था, ये हमारे पास 6 हज़ार से 6,500 के बीच में आता है। सारे फीचर्स, सारी स्पेसिफिकेशन, सारी एप्लीकेशन सब सेम वैसी ही हैं, केवल स्पेसिफिकेशन में दो ही फ़र्क हैं, वो हैं इसके इंटरनल मेमोरी और आपका इंटरनल मेमोरी और रैम, बस दो ही फ़र्क हैं केवल। इसके अलावा मुझे फ़िलहाल में यहाँ पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। आप चाहें तो A44 ले सकते हैं, लेकिन ये एक इस प्राइस रेंज में एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए 2GB रैम में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बने रहिए टेक ज्ञान चैनल के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।